हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो आज उसी का प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। यानी अगर कंप्रेशन मेंबर को हमें डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन प्रोसीजर में बात करें तो पहला है आपका कंप्रेशन मेंबर में उत्पन्न होने वाले संभाव्य प्रतिबल का मान मानते हुए संपीड़न के लिए आवश्यक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो देखिए क्या करना होता है, हम क्या करते हैं आपके मेंबर में एक पॉसिबल स्ट्रेस मान लेते हैं, ठीक है, क्या एक पॉसिबल स्ट्रेस इसमें आ रही है और वो जो पॉसिबल स्ट्रेस होती है जिसे हम संभाव्य प्रतिबल कहते हैं, उसकी वैल्यू अलग अलग मेंबर्स के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। किस मेंबर के लिए कितनी होती है, यानी कौड़ी सेक्शन है आपका तो उसके लिए कितनी होगी आपके, या फिर आपका कोई कॉलम है उसके लिए कितनी होगी, तो मैं आपको सब बताऊंगा आगे। लेकिन फिर आप समझ लीजिए कि हमें एक पॉसिबल स्ट्रेस माननी होती है और उस पॉसिबल स्ट्रेस के बेसिस पे हम रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जितना एरिया हमारे मेंबर के लिए चाहिए होगा इतना एरिया हमें वो हम उस संभाव्य प्रतिबल के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, स्टील टेबल से लगभग उक्त अनुमानित क्षेत्रफल वाले खंड का चयन किया जाता है। आप क्या करेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आया था उस रिक्वायर्ड एरिया के लगभग बराबर एरिया का हम एक सेक्शन जो है सिलेक्ट कर लेंगे स्टील टेबल से। अब देखिए स्टील टेबल से सिलेक्शन क्या सिलेक्ट करते हैं ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, और आगे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको कैसे मेम्बर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि बिल्टअप स्तंभ के खंड का चयन करना हो तो उपरोक्त में ज्ञात अनुमानित क्षेत्रफल से एक घटक का क्षेत्रफल अनुमानित करते हुए खंड का स्टील टेबल से चयन करते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए अगर आपका बिल्टअप सेक्शन है, ठीक है, तो बिल्टअप सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अगर वो दो सेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो एंगल सेक्शन है उनसे कोई मिलकर आपका कोई कंप्रेशन मेंबर बना है, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम एक का एरिया लेंगे और एक को ही हम क्या करेंगे स्टील टेबल सेलेक्ट करेंगे और उसके एरिया का हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे, यानी दोनों मेंबर अलग अलग नहीं सेलेक्ट करने हैं, हमें एक मेंबर सेलेक्ट करना है और उसी के बेसिस पे हम दूसरे का एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कि संपीडन के लिए चिन्हित खंड के अनुसार समतुलता अनुपात का वास्तविक मान ज्ञात किया जाता है। अब देखिए हमने क्या है मेंबर तो सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से स्टील टेबल से मेंबर सेलेक्ट कर लिया है, अब उस मेंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हमें उस सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी उसकी वहीं पे, जी रेडियो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वेट पर मीटर कितना है, सारी चीज़ें हमें स्टील टेबल से मिल जाती हैं। और जब हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो उससे के बेसिस पर हम क्या निकाल लेंगे, संपीडन के लिए अनुमानित चयनित खंड के अनुसार खंड का वो तन्यता अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। यानी जो भी हमारा मेंबर है जो हमने सेलेक्ट किया है उसके लिए हमने क्या करेंगे तन्यता अनुपात निकाल लेंगे, वो क्या होता है आपका, वो लैम्डा बराबर क्या होता है आपका एल अपॉन आर, ठीक है, और एल क्या होता है आपका इफेक्टिव लेंथ होती है और आर क्या होता है मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, क्लियर। चलिए अगर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए ज्ञात तन्यता अनुपात के लिए अनुज्ञेय अक्षीय प्रतिबल का मान अंतर्वेशन द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए अगर आपका जो तन्यता अनुपात आया है यहाँ से, अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट ऐसी ही वैल्यू है जैसे कि आपके स्टील आपके जो टेबल है उसमें दे रखी है वैल्यूज, यानी जो लैम्डा की वैल्यूज दे रखी है जिनके लिए हमें जो है इफेक्टिव परमिसिबल स्ट्रेस दे रखी है उस टेबल में, तो अगर वैल्यू एग्जैक्ट वही आ रही है तो हमें डायरेक्ट हमें परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू चेंज आ रही है कुछ, यानी कुछ बीच में आ रही है, जैसे सपोज 140 और 150 के बीच में आ रही है, तब हमें क्या करना होगा, इसमें एक फार्मूला होता है आपका अंतर्वेशन या फिर इसे कहते हैं इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है, हम इसके बेसिस पे अपनी परमिसिबल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये भी हम क्वेश्चन में करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और मैंने आप लोगों को पहले भी करा दिया है ये। नेक्स्ट आपका चयनित खंड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब क्या है देखिए चयनित खंड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आप तो ज्ञात कर ही लेंगे, जो भी चयन किया है आपने स्टील टेबल से उसका तो एरिया आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टील सेक्शंस में क्या होता है हमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ उसके निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सारी की सारी स्टील टेबल से मिल जाती हैं, तो आपको उसका एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, संपीडन के लिए अनुसुरक्षित भार ज्ञात किया जाता है। अब क्या करेंगे हम जो अपने मेंबर सेलेक्ट किया है
हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ठीक है, क्या उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि जितने हमारे मेंबर पर लोड आ रहा है, अगर इतनी स्ट्रेंथ है या फिर उससे ज़्यादा है तब तो सेफ है मेंबर हमारा, और अगर वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है तब हमारा मेंबर फेल हो जाएगा, हमें फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए संविधान के लिए सुरक्षित भार याद करना, इसमें क्या हो जाएगा, सुरक्षित भार बराबर क्या होता है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो भी आपने मेंबर सेलेक्ट किया उसका आ जाएगा ये, ठीक है, जो भी मेंबर आपने स्टील टेबल सेलेक्ट किया था उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ जाएगा, और परमिसिबल स्ट्रेस आपने भी ये भी आपने टेबल से जो है ज्ञात कर ली थी, ठीक है, किसके बेसिस पे, जो आपका तन्यता अनुपात यानी जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो था उसके बेसिस पर आपने वो जो परमिसिबल स्ट्रेस थी वो भी कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। देखिए क्या रहेगा, यदि सुरक्षित भार मेंबर पर आने वाले वास्तविक भार से अधिक हो तो डिज़ाइन ठीक है। अब देखिए जो सुरक्षित भार आपने कैलकुलेट किया है ये, या फिर कह सकते हैं ये स्ट्रेंथ आ जाएगी मेंबर की, इसकी वैल्यू अगर जो मेंबर पर लोड आ रहा था उससे ज़्यादा है तो हम ठीक है, हमें हमने डिज़ाइन वो ठीक किया है, और ऐसा नहीं है तो फिर हम रिडिज़ाइन करते हैं। अब देखिए जो पॉसिबल स्ट्रेसेस या फिर कह सकते हैं जो संभाव्य प्रतिबल थे उनकी उनका मान हम कैसे कैसे लेना है, देखिए संभाव्य प्रतिबलों के मान निम्नलिखित लिए जा सकते हैं, और एंगल सेक्शन, अगर आप एंगल सेक्शन का यूज़ कर रहे हैं कंप्रेशन मेंबर में तो उसके लिए हम लेते हैं 80 N/mm², और जो L/R या फिर कैसे तनुता अनुपात का जो वैल्यू होती है वो लगभग 100 होती है, वहीं आपका सिंगल आई सेक्शन है उसके लिए 100 N/mm² लेंगे और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, और बिल्टअप सेक्शन है, ठीक है, संगठित खंड है आपका तो इसके लिए 140 N/mm² और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी। यदि संपीड़न बल पवन दाब के कारण आ रहा है तब ये 20 N/mm² हो जाएगा। तो देखिए इसी के बेसिस पे हम जो है आपका पॉसिबल स्ट्रेस जो है ले लेंगे और फिर हम अपना रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका टैकिंग रिबेट्स, या कह सकते हैं आबंधन रिबेट। तो देखिए आबंधन रिबेट क्या होते हैं कि आबंधन रिबेट घटकों को एक दूसरे के साथ बांधने हेतु लगाए जाते हैं ताकि पूरी लंबाई में मिलकर घटक एक लंबाई की तरह कार्य कर सकें, ठीक है, यानी क्या होता है कि जो अगर लेंथ ज़्यादा होती है मेंबर की तो उसमें क्या होता है जो मेंबर आगे जाके क्या होता है वो या तो हट जाता है या फिर क्या होता है वो दोनों मेंबर मिल जाते हैं बहुत करीब आ जाते हैं, तो हमें क्या है पूरी लंबाई में एक जैसे बन जाना है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है ट्रेकिंग रिबेट्स लगाने पड़ते हैं। अब ये ट्रेकिंग रिबेट कैसे लगाने पड़ते हैं, देखिए तो भारतीय मानक IS 800/1984 और ये 2007 के अकॉर्डिंग भी यही है कि अनुसार आबंधन रिबेटों के बीच की दूरी 600 mm से अधिक नहीं रखी जाती है, यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ट्रैकिंग रिबेट्स की वो कितनी होगी 600 mm होगी, ठीक है। तो ये था आपका डिज़ाइन प्रोसीजर पूरा कंप्रेशन मेंबर का, ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, इसमें कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी जो भी डाउट होगा आपका वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा।